फ्रॉम मम्मीज ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग ये आपको आइडिया तो हो गया होगा मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ। मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई हूँ, तो मैं इतने हफ्तों से बोल रही थी मैं होम टूर करूँगी, तो आज मैं करने जा रही हूँ। और हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये हमने बिल्कुल दरवाजे के ऊपर लगाया हुआ है क्योंकि जो भी आता है पढ़े और हमारे घर में बरकत होती है। और सेकेंड पे आता है माशाल्लाह, इससे कि किस बुरी नजरों से बचाए हमारे घर को अल्लाह, क्योंकि मेरे मम्मा भाई बहुत ख्वाबों से ये बना थला है हमारा ये वाला घर, तो इसलिए जैसे ही माशाल्लाह का आए वो वैसे आपको माशाल्लाह जरूर करना। तो अब हम जाते हैं घर के होम स्वीट होम को ओपन किया जाता है। तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर के अंदर, मैं अपने घर में एंटर हो चुकी हूँ और ये हमारा फर्स्ट एरिया है, ये है हमारा हॉल। तो अब मैं आपको अपने घर की जगह बारे में बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं टी से। हमारी सारी रूम्स की वॉशरूम्स की हर जगह की है। और ये फर्स्ट पे आता है किचन, और ये बहुत अट्रैक्ट है लोगों को, जो भी आता है सबसे पहले नज़र इस चीज़ पे जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये कॉम्बिनेशन मेरी मम्मा ने किया, पूरे घर को डिज़ाइन मेरी मम्मा ने किया। तो ये है हमारे कैटल, सेकंड आता है माइक्रोवेव, और ये था हम जैसे दुबई गए थे ना तो हम फर्स्ट ही जगह आए थे, आपको याद होगा मेगा मॉल, शायद मेगा मॉल गए थे, वहाँ पे मैंने ये देखे थे तुर्किश बर्तन, और जो इतने पसंद आए थे, इतने प्यारे लगते थे, इतने पसंद आए थे, मैंने लाइट पिंक कलर में लिए थे मगर ना वो टूट गए थे, पहले के ही टूटे हुए थे, फिर मैंने ये कलर चूज़ किया। और आप मुझे बताएं कैसे लग रहे हैं, कितने खुश। नेक्स्ट पे आते हैं ये बर्थ, और ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, मेरी मम्मा ने मतलब ऑर्डर किए थे मेरे रूम के लिए, मगर मैंने अपने रूम में नहीं लगाए क्योंकि मैं अपने रूम में दूसरी चीज़ें लूँगी। और ये पूरे थ्री हैं, 1, 2, 3। और ये आपकी मतलब ये चिमनी वुड है, और हमारा किचन हॉल में, तो जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो सीधा हॉल में घुमाते हैं, तो इसलिए ये हमने लगवाई है ताकि धुआं कैच कर सके अपनी तरफ। और ये हमारी खिड़की है बहुत छोटी मोटी सी, ये मैंने झांकने के लिए लगवाई है क्योंकि बाहर कुछ भी हो रहा हो तो मैं झांक सकूँ। और यहाँ पे हमारे बादाम, और फिर हमारे आते हैं कैट में, और अब हम जाते हैं हमारे हॉल की तरफ, ये पूरा ही हॉल है मगर असली हॉल की तरफ। तो गाइस आपको जो ये वॉल नजर आ रही है बड़ी टेबल को हमने पैसे भी दिए थे पत्थर लगाने के लिए, असली स्टोन्स लगाने के लिए, मगर वो भाग गया, तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली ये वॉल पेपर लगाना पड़ा। मगर जो भी इंटर रहता है कहते हैं स्टोन्स हैं मगर हाथ लगा के देखते वॉल पेपर है, 3D एक्चुअली। वॉशरूम में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको यूज़ करने में ईजी होता है, बाकी हमारा दोस्त है। तो हमारे घर, हाँ आपके कहने पे, माय फ्रेंड्स के कहने पे मैंने होम टूर बनाया, अब तो बहुत कमी है चीज़ों की कि मेरे बाबा बहुत जल्दी चले गए थे आपको पता है, तो इसलिए हमने मुकम्मल चीज़ें नहीं ले सके हम लोग, ना हमने डाइनिंग लिए और ना हमने फ्रिज लिया और हमने ना ही बड़ी LCD ली है, ये जो हमारी नीचे LCD थी वो ही है, हमें बहुत बड़ी वाली LCD लगवानी है। और ये जो ऊपर आप क्लॉक देख रहे हैं मेरे मम्मा के स्कूल के स्टाफ ने मम्मा को गिफ्ट की थी, ये हमारे छोटे छोटे से शोपीस हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें से दो चीज़ें मैं तोड़ चुकी हूँ शीशे, और ये हमारे कम्फर्ट जोन। तो आप ये जो आप देख रहे हैं ये हमने दराज से ऑर्डर किया था, ये हमने फेसबुक से ऑर्डर की थी और ये दराज से ऑर्डर किया था, तो लगाने का ये मकसद है कि हम जब भी देखें तो हमारे कमर पे करना बैठ जाए, तो मैं टेबल मुझे बहुत पसंद है, अक्सर मैं इसके साथ खेलती रहती हूँ, इसके अंदर बैठती हुई है, अगर बैठूंगी तो टूट ही जाएगी। और ये है हमारे कंफर्टेबल सोफा, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है मुझे जब भी यहाँ लेट के मैं टीवी देखती हूँ,
हैं मेरे मामा के मुंह की तरफ। आई होप आपको हमारा हॉल बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपको मेरे फेवरेट रूम की तरफ ले जाऊंगी। हाँ, एक चीज तो मैं बताने भूल गई, ये हैं बटरफ्लाइज, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी हमारे रूम के लिए। वहाँ पर अब मैंने दूसरी चीज़ें देखी है, तो मम्मा को मैंने बोला भाई आप यहाँ लगा दूँ, आप मुझे ना दूसरी चीज़ें लेकर देना, तो अब मैं अपने रूम के लिए दूसरी चीज़ें मंगवाऊँगी। तो अब मैं अपने फेवरेट रूम की तरफ जा रही हूँ। ये है मेरे मामा बाबा का रूम, मुझे बहुत पसंद है, मेरे मामा बाबा इतने अरमानों से बनना करे ये रूम। तो आप जब भी मुझे देखते हैं इस ड्रेसिंग पे, जहाँ खजाना है हमारे मेकअप का, जब भी आप ब्लॉग में देखते होते हैं मैं लाइक कर देती हूँ। ये हमारी ड्रेसिंग है मेरे माँ बाप की, और सेकंड क्लास का है हमारा मामा का है, ये बहुत कम्फर्ट। और ये आती है साइड टेबल, बहुत खूबसूरत है। और ये मेरे खाला ने लैम्प, सबसे बड़ी वाली खाला जी ने हमें लैम्प गिफ्ट किए हैं। और फिर ये आती है अलमारी, मेरे मामा बाबा की अलमारी आती है। सर आप इस वाले मिरर पे मुझे टिकटॉक बनाते हुए देखते हैं। और अब हम आ सकते हैं इन फ्रेम्स पर, ये मेरी नानी ने हमें गिफ्ट किए हैं। और कर्टन्स की तरफ जो मेरी मम्मा ऑर्डर देके आई थी, और इनको 12 दिन तो लग गए थे सब करते। और अब हम जा रहे हैं मामा बाबा की गैलरी की तरफ, बहुत धूप है, मेरा दिल भी नहीं अंदर जाना। और आप जो देख सकते हैं ये प्लास्टिक बारिश की वजह से लगाया, आपको पता है इतनी बारिशें हो रही हैं तो सारा पानी अंदर आता है इसके। और अभी हमें लकड़ी के फ्रेम्स बनाने हैं इसके लिए, वो हम जल्द बनाएंगे। और ये है हमारा स्टोर रूम, छोटा सा गैलरी का स्टोर, इसमें हमारी सारी स्टोरेज है, मतलब बहुत स्टोरेज है। कम्प्लीट व्यू मेरे मामा बाबा के रूम का हो जाए। बहुत सारी टिकटॉक्स होती हैं, आप मेरी टिकटॉक आई डी लगाएं तो आपको सब नजर आ जाएगा। तो मेरी टिकटॉक आई डी का नाम है Shumi5678। तो अब हम आते हैं हमारे वाले मिरर पर, लाइटिंग वाला है। और यहाँ पे मैं अब स्टूल रखती हूँ, मेरा इतना कद भी है, स्टूल रखती हूँ, उसके ऊपर चढ़ के फिर टिकटॉक बनाती हूँ। और अब हमारा आ गया बेसमेंट कटोरे की शेप में। और फिर हमारी आ जाती है ऑटोमेटिक मशीन, मेरे बाबा मेरी मम्मा के लिए आसानी कर देना है। या सरफ डालो, पानी वो खुद उठाती है, और जब बटन्स में करो फिर वो खुद ही धोती है। और अब मैं जा रही हूँ, हाँ, और ये मेरी मम्मा ने पेंट किया है इन पत्थर्स को, और इनके ऊपर ग्लिटर्स डाली हैं, और आम साबुन रखी। और ये वैनिटी के साथ साथ हमारे पर्सनल वॉशरूम है। और अब हम जा रहे हैं मेरे जन्नत की तरफ, ये मेरा सुकून करने वाला रूम है, माय रूम। फर्स्ट पे आते हैं हमारे बेड, ये मेरे भाई का बेड है और वो मेरा बेड है। आपको पता है जब कोने वाले बेड बहुत पसंद है, तो मुझे भी कोने वाले पसंद है। और ये हमारी मेरी ड्रेसिंग है, हमारी मेरी सुंदरी ड्रेसिंग है। और इसमें आपको पता है क्या होता है लड़कियों का, मेकअप होता है, ज्वेलरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये रूम है। और अब हम जाते हैं मेरे भाई की पीसी की तरफ, जो मैं बैठ के एडिटिंग करती हूँ। मेरे भाई GTA 5 खेलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। और अब मेरी आ जाती है स्टोरी बुक्स, जो मैं आपको बैठ के पढ़ती हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ती, कम ही पढ़ती। और ये आ गई मैं, ये मैं छोटी सी तब की मेरी पिक्चर है, मैंने संभाल के रखी है, पूरी वेलवेट पे बनी थी। इसके अंदर मैंने कलर किया, और जो देखते हैं बोलते हैं फ्रेम है, मगर ये फ्रेम नहीं है, मैंने खुद डिजाइन किया है। और अब ये आ जाती है हमारी गैलरी, जिसकी खिड़की हमने यहाँ से निकाली ताकि हम देख तो सकें हवा ठंडी ठंडी का। तो अब मैं आ जाती हूँ मेरे स्टिकर्स की तरफ, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं फैंटीज फॉर एवर, तो मेरी मतलब इसमें देखें फैमिलीज एक साथ हैं, तो मेरी भी यही हुआ है, हमारी फैमिली हमेशा एक साथ रहे।
तो अब हम आ जाते हैं मेरे वॉर्डरोब की तरफ। तो अभी मैं इसको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत जल्द मैं इसका टूर देने वाली हूँ। तो अब हम आ रहे हैं इस वॉल की तरफ। इसको मेरे मामा बाबा ने डिजाइन किया और पेंट स्ट्रक्चर सब मेरे मामा बाबा ने। ये मेरी फेवरेट वॉल है, बहुत खूबसूरत है और जो भी आता है बहुत अच्छी लगती है। अपने घर का तो ख्याल रखता हूँ मगर उसके बाद से मैं अपने रूम में जान अपने रस्ते मेरे, तो मैं अपने रूम का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो ये मेरे हैं सॉफ्ट टॉयज, मेरा बहुत सॉफ्ट टॉयज इतने सारे तो ऊपर पड़े हैं हमारे मचान में। हाँ मैं आपको एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गई, हमारा स्टोरेज। और ये हमारे स्टोरेज ऊपर देख सकते हैं हमारे मचान, जिसमें मेरे सारे पापा के बैग्स, हमारे बैग और टेडी बेयर्स, मतलब सारी आलतू फालतू चीज़ें पड़ेंगी। मेरे व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों तक फॉरवर्ड करें। मेरा लिंक आप दूसरों को सेंड करें, अपने फ्रेंड्स को, कजन्स को, मामा, मतलब सबको आप सेंड करें। तो गाइज मैंने आपको बोल दिया है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे बढ़ाएं और दूसरों तक फॉरवर्ड करें। हाँ मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, और अब मैं आपको लास्ट हमारे पूरे घर का व्यू दे रहा हूँ। घर का पूरा व्यू दिखा चुकी हूँ। हमारा घर बेशक छोटा है मगर मेरे बाबा ने बहुत डिजाइन, मतलब बहुत दिल से और डिजाइन से बनाया है। तो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। से माशाल्लाह एंड डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।